नमस्कार। सो जिस तरह मैंने एक पिछले वीडियो में समझाया था कि एज ऑफ कॉलेज इज शुड नॉट बी दी ओनली क्राइटेरिया और लास्ट ईयर की कट ऑफ शुड नॉट बी दी ओनली क्राइटेरिया, क्योंकि काउंसलिंग की टाइमिंग में बड़ा फ़र्क पड़ता है। और काफ़ी फ़ोन आए मेरे पास अप्रिसिएशन के, लास्ट वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया जिसे मैंने समझाया कि क्यों डीम्ड की हमेशा कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि उसकी काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो जाती है और पूरा 15 दिन का गैप चलता है। तो काफ़ी पेरेंट्स जो वेट नहीं करना चाहते अपनी स्टेट काउंसलिंग के लिए, या डर लगता है उन्हें, क्योंकि देखिए इंडिया में आज भी सीटें तो 90,000 ही है ना। मैं तमिलनाडु और जहाँ जहाँ सीटें बढ़ रही हैं उसको गिन के कह रहा हूँ। वैसे तो 83,000 थी लास्ट ईयर, और क्वालिफाई होते हैं 7 लाख बच्चे। तो लोगों को हमेशा डर रहता है कि अगर अब एक एक बच्चा प्राइवेट सीट ले ले तो टेक्निकली तो 500 नंबर पर एडमिशन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए 400 नंबर वालों को लगता है कि जो एडमिशन मिल रहा है ले लो, और चूंकि ड्यून पहले स्टार्ट होती है तो वो ले लेते हैं। तो ये लॉजिक आई होप कि सबको समझ में आ गया। इसी तरह एक और लॉजिक है जो शायद कि NIRF रैंकिंग विच इज़ सपोज टू बी यू नो इंडियाज गवर्नमेंट रैंकिंग, तो मैं उसको ना क्वेश्चन नहीं करूँगा। जितनी भी प्राइवेट मैगजीन्स वगैरह रैंकिंग निकालती हैं, हम सभी जानते हैं कि वो तो उसमें काफ़ी जेन्युइन होती है और काफ़ी पेड भी होती हैं। मतलब बीच में वो जेन्युइन के बीच में पेड डाल देते हैं, वो पेड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ उनको पैसा देती हैं। लेकिन NIRF रैंकिंग हम ये मान के चलते हैं कि इस वन ऑफ द मोस्ट फेयर रैंकिंग, और उसमें बड़ा सिंपल ऑब्वियस सा झोल है। वो झोल ये है कि अब 2021 को भी चेक करोगे, सो MBBS की मैं बात करूँ, सो टोटल 50 इन लोगों ने रैंक दी, रैंक 1 to 50, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम ना बड़ा सिंपली एक राइट वाला बटन दबाना भूल जाते हैं कि कितने कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया। सो देखिए इंडिया में, और ये जो रैंकिंग है ये MBBS कॉलेजेस प्लस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस को मिलाकर है। मतलब कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर MBBS होती ही नहीं है, जैसे जो इसी कॉलेज में नंबर 2 आता है इसी लिस्ट में, जो कि फेमस चंडीगढ़ का PGI है, नाउ इट डजंट हैव MBBS, राइट। तो इन दोनों को जोड़ते हुए, उन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो हमें पता है कि इंडिया में प्राइवेट MBBS और MD मिला के तो 700 के ऊपर कॉलेजेस हैं, शायद 800 के ऊपर कॉलेजेस हैं। 600 तो प्योर MBBS ही है, तो 800। अब इन 800 कॉलेजेस में से जो टोटल पार्टिसिपेशन है इस रैंकिंग के लिए वो खाली 111 है। तो ये जो 50 की रैंक देख रहे हैं ये ऑल इंडिया लेवल पे 800 के अंदर से नहीं निकाली गई है, ये 111 में से निकाली गई है। और ये जो बटन है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट का, ये बिल्कुल बगल में है रैंकिंग के। तो आप ये सोचिए कि ये जो 50 हैं वो 111 में अच्छे हैं। फिर लोगों को लगता है कि सर ये 111 अच्छे थे तभी इन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, और बाकी जो 700 हैं उन्होंने जानबूझ के नहीं करा बिकॉज दे डू नॉट थिंक इट इज़ वर्थ। देखिए ऐसा नहीं है, सच्चाई की बात यह है कि जो भी मेडिकल कॉलेज चला रहा है ये वॉलंटरी चीज़ है, और लोगों के पास उतना समय नहीं होता। मैं बार बार वीडियोस में कहता हूँ ना कि जो लोग प्रोफेशनल होते हैं उनके पास अपना काम है, और अल्लाह सेंटल उनको ज़रूरत पड़े कोई डंडा दे कि हमें इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, हम क्यों करें। तो देखिए जब टोटली 111 इंस्टीट्यूट है तो मान के चलिए कि सरकारी में भी आधे से ज़्यादा, क्या 70% सरकारी कॉलेज ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा, सो इस प्राइवेट, और कुछ बहुत शानदार प्राइवेट है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, और सिमिलरली कुछ शानदार सरकारी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। तो हमेशा बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। होता क्या, जब हम पेज वन देखते हैं ना और हमें वो KGMC नज़र आता है, हमें एम्स नज़र आता है, हमें लेडी हार्डिंग नज़र आता है, हमें मौलाना आज़ाद नज़र आता है, तो हमें लगता है कि यह जनून रैंकिंग है, बिल्कुल ठीक है। तो शायद वही बात है कि यूनियन गवर्नमेंट दिल्ली में बैठी है तो इन्होंने, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उसको उन्होंने इंश्योर कर दिया कि कम से कम ये सब तो पार्टिसिपेट करें। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इवन जो हमारा दिल्ली की जो 7 इंस्टीट्यूट हैं वो 7 ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा है, 8। तो सिमिलरली ऑल इंडिया लेवल पे जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे हम दिल्ली के बाहर निकलते हैं तो जयपुर का भी मैं भी चेक करूँ, जो फेमस सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज है उसने पार्टिसिपेट नहीं करा है। तो इन सबको जोड़ते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने सवाई मानसिंह जयपुर वाला भी है तो बस, लेकिन टोटल सबको जोड़ लो तो 111 हैं। इसमें वो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्योर होम्योपैथी कॉलेज हैं, आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। तो मैंने मेहनत नहीं करी है, लेकिन मुझे डाउट है कि अगर हम MBBS कॉलेज की बात करूँ तो शायद 111 में से मैं आपके सामने देख रहा हूँ तो काफ़ी तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि MBBS कॉलेज है ही नहीं। मैं पार्टिसिपेंट की बात कर रहा हूँ, शारदा कृष्णा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज। तो इस तरह के मेडिकल कॉलेजेस को जोड़ते हुए शोभित यूनिवर्सिटी सहारनपुर, इसके पास तो MBBS है ही नहीं।
इन सब को जोड़ते हुए अगर हमारा टोटल जो है वो 111 बन रहा है, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि टोटल कितने मेडिकल कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट करा है। बीच में एक नर्सिंग का कॉलेज भी आया था, ममता कॉलेज ऑफ नर्सिंग खम्मम, तो इन सब को जोड़ते हुए 111 है। तो शायद MBBS कॉलेज तो 90 ही हैं जिन्होंने इस पूरे प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करा है, या 80 हैं और उसमें से उन्होंने टॉप 50 दे दिए हैं। तो इसलिए NRF रैंकिंग देखिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि सारे इंस्टीट्यूट ने पार्टिसिपेट ही नहीं करा है। धन्यवाद।